हाय गाइस, आज हमारा लास्ट डे है हॉलिडे का यहाँ पे। कल हम वापस जा रहे हैं घर। इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड इमोशंस। एक्साइटमेंट भी है पर थोड़ा सैडनेस भी है। डेली रूटीन शुरू हो जाएगी मंडे से, बट देन दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ इज़न्ट इट। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू पे योर बिल्स, यू हैव टू एन्जॉय एंड लाइफ गोज ऑन। बट आज हमने जो प्लान किया है, हम जाएंगे पोर्ट डगलस। आई एम श्योर एनी वन एंड एवरी वन, नॉट ऑल बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड हैव हर्ड ऑफ पोर्ट डगलस। ये बहुत ही अच्छे ब्यूटिफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एंड वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। केन्स में है अभी तो अराउंड 70 किलोमीटर्स है यहाँ से। इट्स एन आवर ड्राइव राउंड अबाउट। तो अभी निकल जाएंगे हम। पोर्ट डगलस के बारे में तो एवरी वन नोज, एज आई सेड बिफोर। बीचेस है, रिजॉर्ट्स है वहाँ पे। पीपल ट्राई टू जस्ट फ्लाई स्ट्रेट टू पोर्ट डगलस समटाइम्स एंड स्टे देयर एंड देन मेक अ बेस फॉर प्लेसेस लाइक इफ दे वांट टू विजिट ग्रेट बैरियर, वर्ल्ड हेरिटेजेस, ग्रेट बैरियर रीफ एंड डेंट्री फॉरेस्ट, बोथ ऑफ देम। हम आज डेंट्री फॉरेस्ट भी जाएंगे। लेट्स सी हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द स्काई केबल यस्टरडे जहाँ हम गए थे। लेट्स सी हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट, बट आई एम एक्साइटेड। थोड़ी गर्मी भी है, होपफुली इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट ब्रीज, सो विल जस्ट इन्जॉय इट मोर। द बेस्ट टाइम आई थिंक टू विजिट पोर्ट डगलस इज बिटवीन मे एंड सेप्टेम्बर। थोड़ा वेदर प्रॉब्ली अराउंड 25 to 28 degrees के बीच में होता है, तो इट्स ऑसम वेदर। अभी थोड़ा ह्यूमिड है, बट देन अगेन हमारा तो इट्स इट डिपेंड्स ऑन व्हेन यू वांट टू गो, ऑल योर पर्सनल प्रायोरिटीज़ क्या है। बट देयर वी गो एंड वी आर ऑफ टू पोर्ट डगलस। ड्राइव कर रहे थे हम पोर्ट डगलस, तो रास्ते में रुके थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए। ऑब्वियसली थोड़ा फ्रेश एयर लेंगे एंड इस जगह को मिस नहीं कर सकते थे। इट्स अ कॉमन सेइंग हियर, यहाँ पे वेयर द रेन फॉरेस्ट मीट्स रीफ, दैट्स द प्लेस इट इज़। आई मीन यू कैन हार्डली सी दीज थिंग्स, वर्ल्ड हेरिटेज इज मीटिंग टुगेदर लाइक रेन फॉरेस्ट एंड द रीफ। सो इट वॉज बेस्ट टू जस्ट स्टॉप हियर, कपल ऑफ फोटोज और थोड़ा ड्रोन का व्यू भी देखें कैसा है। वो भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हमने ड्रोन की भी ली है एंड फ्रेश रिवाइव एंड देन स्टार्ट ड्राइविंग अगेन।
पोर्ट डगलस जाते जाते हमने स्ट्रेट हम क्रॉस कर दिया पोर्ट डगलस, हम मॉसमैन जॉर्ज और गॉर्ज आई थिंक इट्स सेज स्पेलिंग पढ़े तो मॉसमैन बट मॉसमैन हम बोलेंगे, वहाँ पे रुके हमने। यहाँ पे ये जो काउंसिल है रूरल काउंसिल है जो डगलस शायर पोर्ट डगलस का जो काउंसिल है वहाँ पड़ता है। सो इसकी मेन अट्रैक्शन जो है इट विल walk you around through the loop on a suspension bridge like this I'm standing on 2.5 kilometers ka suspension bridge hai ye जॉर्ज का जो नाम बड़ा है ना वो एक्चुअली मॉसमैन रिवर है जो कि जो नेशनल जो डेंट्री नेशनल पार्क है उसके बीच फ्लो करता है वो रिवर, उसको मॉसमैन रिवर बोलते हैं। तो उसी मॉसमैन रिवर पे इसका नाम पड़ा है इस वैली का। इसका जो पॉपुलेशन मैंने लास्ट जो पढ़ा है वॉज प्रोबली अराउंड 300 पीपल। That is like a penny in the ocean compared to India. This is the suspension bridge I was talking about, 110 meters. It is very wobbly and shaky, but that's what it connects. That's the main attraction. यहाँ का टूरिस्ट का जो है कनेक्ट करता है पूरे रेन फॉरेस्ट को। Amazing. Walk along this Daintree. I think it's part of Daintree as well, but entry point to Daintree ka we're just going to go next. But yeah, acha walk tha, humid tha, again pasine acche skin clean ho gaya. That's one of the advantages coming in this season, even though it's really hot. There's a really good interesting history behind this place. Mossman George or Gorge kehte hain iske, Mossman Gorge. European settlement yahan hui hai 1872 mein. That's really interesting. And due to the gold rush, I think around the 1873 koi explorer aaya yahan pe, William Hans or someone, he actually found
गोल्ड अराउंड द रिवर, पामर रिवर कहते हैं उसको, जस्ट लाइंग ऑन द सैंड लाइक ए बिग स्टैश ऑफ गोल्ड. तो फिर उन्होंने प्रॉपरली इसको एडवेंचर किया है, एक्सप्लोर किया है, एंड दे रियली फाउंड कि गोल्ड के ब्रिक्स ऑन द पामर रिवर. सो दैट्स हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड. इनिशली दे वर ट्राइंग टू फाइंड द लैंड रिसोर्सेज एंड मिनरल्स यहाँ पे माइनिंग वाले, इट्स वेरी फेमस इन माइनिंग सेक्टर दिस प्लेस. वो देखने के लिए आए थे एंड देन दे डिस्कवर द गोल्ड रश, हेंस द हिस्ट्री, एंड देन द ऑब्वियसली यूरोपियन सेटलमेंट हुई एंड पीपल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड क्रिएटिंग माइंस एंड सिविलाइजेशन स्टार्टेड. सो दैट्स हिस्ट्री बिहाइंड दिस प्लेस. एंड ऑब्वियसली इफ अगर हम ड्राइव नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते, ये सब चीज़ें पता नहीं लगती. It's easy to take a flight and just fly down in like half a, one and a half hour. But drive करने में अपना ही मज़ा है और expensive भी नहीं है, it's economical as well, and you get to see all these beautiful places. Amazing. So far from the city, यहाँ पे आप देखोगे electric vehicle AC charger है. So it's, you can see how systematic यहाँ पे है. जहाँ भी कोई भी यू नो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है, यू विल फाइंड सिस्टम्स एंड सपोर्ट एवरीवेयर वेयर एवर यू गो. हम जा रहे थे डेंट्री फॉरेस्ट की तरफ, वो डिड अ यू टर्न वहाँ से, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी. और यहाँ की बारिश ऐसे नहीं कि थोड़ा टिप टिप हो एंड देन इट्स फाइन, यू कैन कीप ड्राइविंग. हमारे पास फोर व्हील ड्राइव नहीं है, वो ड्राइविंग ए सेडान, सो थोड़ा रिस्की है अगर फ्लड आ जाए एंड वी गेट स्टक देयर. And also it was like, it's like midday, so we didn't want to risk that. Watch, we just went through Mosman Gorge, and it's an extension of Daintree anyways. So thoda feeling wahan ki tropical rainforest ki humne waise bhi dekh liya, but if we have to come to Daintree next time, we will just be flying, best would be just fly directly to Port Douglas. Wahan pe apna raho and then you can just explore if you want to go to reef or if you want to just go to the Daintree forest, so we can do that. But abhi humne thoda yu liya and we'll be driving to Port Douglas, which is a great city in itself. I mean, it caters every single thing, and I'll see you soon there at Port Douglas. Thank you.
लेफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि हम डेंट्री फॉरेस्ट बिल्कुल अंदर नहीं जा पाए जस्ट बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, तो हम वहाँ फंसना नहीं चाहते थे अननेसेसरीली. और मैंने कहा ना जैसे कि हमारे पास वो फोर व्हील ड्राइव नहीं थी, तो जब रेन यहाँ होती है ऑब्वियसली इट्स अ ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ अगर रेन होती है तो इट्स वेरी हेवीली रेन, सो हम वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे. सो वी डिड अ यूवी टर्न फ्रॉम देयर एंड देन ऑब्वियसली स्टॉप्ड एट पोर्ट डगलस. Port Douglas is really beautiful. I mean, it's 100% tourist spot. So people from all around the world come here. So population uski wajah se thoda fluctuate hoti hai. It depends on the influx of tourists coming here. Last what I know of a couple of years back, population was around approximately 4,000. और इसका नाम भी पड़ा है, पोर्ट डगलस का नाम पड़ा है आफ्टर द नेम ऑफ द प्रीमियर, यहाँ का जो प्रीमियर था जॉन डगलस. बट देन अगेन हम कल गए थे पाम को, मुझे पाम को मिनी पोर्ट डगलस लगा. इट्स ऑलमोस्ट लेड आउट इन द सिमिलर वे, सिमिलर फैशन, वैसे ही है, रिजॉर्ट्स अंदर है तुम्हारा, एनी necessity, you know, khana peena sab kuch, restaurants, it's within the resort there. But Port Douglas, I feel like it is a bigger version of Palm Cove. The only thing is that you've got direct flights here, you can fly directly here and then enjoy you know, world heritages like Great Barrier Reef and your Daintree Forest as well, so you can see both while staying here. So that's about Port Douglas. But you can see यहाँ पे जो high end shopping बहुत अच्छी है यहाँ पे. You know, famous people like Bill Clinton यहाँ 1996 में आए थे with Hillary Clinton, and this was the only holiday destination for him. He often he went across Australia, different states, but this was he chose Port Douglas his holiday stop and stayed here for a couple of days or something. But then, you know, बहुत सारे Hollywood actors आते हैं यहाँ directly, they stay here without any disturb. यहाँ isolated beaches है यहाँ पे आसपास where they can just have privacy and stay around because of the environment, it's beautiful. Also kindly Minogue जो कि princess, pop princess है Australia की, उसका जो एक one of the songs in the secrets or something like that, वो यहाँ पे shoot हुआ था fully. It's a secret, I guess. The name of the song is. Baki beaches and ye forestry, greenery, because Queensland is a tropical state. Ye aapko kahin kisi bhi jagah pe jayenge na, it would be there. So you will see it all the time. And it looks a bit familiar. Obviously, Australia to pura sea, you know, water se hi covered hai, and for that matter, it's safe because of that as well. So, asa lunch hua tha Thai restaurant mein. It was beautiful. So lunch ho gaya and I think we're just going to pack up and go back to Cairns and hotel mein thoda rest karte hain. May 2020 be the best one for you guys, health, wealth and prosperity and happiness in every way.